फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपकी पूजा सेठ, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज आप लोग के साथ एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करने वाली हूं, और इससे पहले भी मैंने इस पे एक वीडियो किया हुआ है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लीजिएगा, क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ ओथी प्लस के फेशियल किट के बारे में। और जैसा कि वेडिंग सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी क्वेरीज होती है कि कौन सा फेशियल किट यूज करें। अगर आप वुड बी ब्राइड है, इवन अगर आप किसी फंक्शन या पार्टी को भी आप अटेंड करने वाले हैं, तो आप कौन सा फेशियल करें जिससे आपको बहुत ही अच्छा सा ग्लो मिले और बहुत ही ब्राइटनिंग ग्लो मिले। और ब्राइड्स तो काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है कि उन्हें कौन सा फेशियल कराना चाहिए, किस स्किन पे क्या चीजें सूट करती है। तो आज मैं आपको ये सारी डिटेल इस वीडियो में देने वाली हूँ, और किस तरह से O3 प्लस की अलग अलग वेराइटीज आती है। इससे पहले मैंने जो किया था वो मैंने विटामिन सी ब्राइडल किट के साथ किया था, और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये प्रोफेशनल O3 प्लस का फेशियल किट, जो कि है ब्राइडल फेशियल किट। क्योंकि ब्राइडल फेशियल किट में बहुत सारी वेराइटीज आती है, तो ये जो ब्राइडल फेशियल किट है ये है रेडिएंट एंड ग्लोइंग स्किन, तो ये ब्राइडल्स के ऊपर बहुत ही अच्छे से जा सकता है। तो आप अगर वुड बी ब्राइड है और आने वाली है वेडिंग सीजन, आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से इसको स्टेप बाय स्टेप आप घर पे करें, तो बहुत ही आसानी से आप इसे कर सकते हैं। वैसे मेरा रिकमेंडेशन होगा कि अगर आप किसी अच्छे ब्यूटिशियन से इसे कराते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा, इवन अगर आप इसे घर पे करना चाहें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आपको इसे किस तरह से करना है। तो ये जो फेशियल किट है ये है 750 रुपए का, और यहाँ पे इसकी MRP मेंशन है। और मैंने जो इससे पहले वाली वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी विटामिन सी ब्राइडल फेशियल किट का, वो था 700 रुपए का। तो वो अलग स्किन पे सूट करता है, और किस स्किन पे आप उसे यूज कर सकते हैं वो मैंने डिटेल उस वीडियो में बताई है, और उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रही हूँ। तो अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं और चाहते हैं ये जानना कि किस स्किन पे कौन सा अच्छा रहता है और कौन सा यूज कर सकते हैं, तो आप जरूर एक बार उसे देख लीजिएगा। अगर आप O3 प्लस का फेशियल करने जा रहे हैं तो आपको ये सारी डिटेल मालूम होनी चाहिए, अदरवाइज आपको फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। तो ये वाला जो फेशियल किट है, मैं आपको बता दूं कि ये आप किसी भी स्किन पे कर सकते हैं। आपकी स्किन ऑयली है या ड्राई है, या आपकी स्किन का कलर डस्की है, डार्क है, या फिर आप फेयर स्किन के हैं, तो कोई भी स्किन टाइप के लोग इसे यूज कर सकते हैं, ये वाला जो फेशियल किट है रेडिएंट एंड ग्लोइंग स्किन। तो ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कुछ स्पेशलाइजेशन वाला कोई स्किन चाहिए कि नहीं ये स्किन पे ही ये सूट करेगा, किसी भी स्किन पे आप इसे ट्राई कर सकते हैं। इवन विटामिन सी वाली जो है वो स्पेसिफिक स्किन पे ही चलेगा, तो इसलिए आप एक बार उसे भी देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको किस स्किन पे कौन सा करना है, जिससे आपको बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। तो अभी हम इस फेशियल के साथ करेंगे फेशियल किट के साथ करेंगे फेशियल, और देखेंगे कि इसका क्या रिजल्ट रहता है और कितना फायदेमंद है। इसमें आपको अंदर भी एक कागज में मिल जाता है लिखा हुआ, जिसमें कि आपको सारी चीजें मेंशंस होती हैं कि आप इसे कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, और साथ में मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पे 10 स्टेप्स होते हैं जिसमें कि आप कंफ्यूज जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि स्क्रब और क्रीम और मास्क जेल ये 4 स्टेप या 5 स्टेप में ही लोग इस फेशियल को या किसी भी फेशियल को समझते हैं, लेकिन जब O3 प्लस की बात आती है तो आपको पूरे 10 स्टेप्स मिल जाते हैं। तो आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि आपको कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, कितनी देर रखना है और किस किस तरह से आपको यूज करना है। तो थोड़ा सा टिपिकल होने की वजह से ये वाला थोड़ा सा टफ हो जाता है करना, लेकिन आज मैं आपको बहुत आसानी से बताऊंगी कि आप इसे कैसे घर पे यूज कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले हम इसे कर लेंगे कट और देख लेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। इसमें आपको एक इस तरह का कागज मिल जाता है जिसमें आपको सारी डिटेल लिखी होती है, स्टेप सारे इसमें लिखे हुए हैं, तो आप इसे भी देख के जरूर कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो समझ में नहीं आती हैं जब तक आप उसे प्रैक्टिकली ना देखो, तो ये वाला आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है, इसलिए इसमें दिया होता है। एंड उसके बाद इसमें ये एक दिया होता है पैकेट, जिसमें आपको कई सारी छोटी छोटी डिब्बी और सीरम होता है, एंड आपको इस तरह से 1, 2, 3 पैकेट अलग होते हैं, जिसमें एक होता है ये फेशियल पावर मास्क, और एक ये होता है पावर मास्क जेल, और ये होता है आर्बिट्रिक पावर मास्क। तो ये चीजें, ये तीन जो होती हैं वो मास्क के लिए होती है, इसे कैसे यूज करना है ये मैं अभी आपको बता दूंगी। और ये वाला जो है ये पैकेट, इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलती है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। पैकेट में आपको सबसे पहले नंबर पे यूज करना है ये, और ये है व्हाइटनिंग क्लींजिंग फोम। तो इसमें इस तरह की आपको जो है 4 डिब्बियां मिल जाएंगी जो इस शेप में होंगी, और इसमें पहला नंबर ये है व्हाइटनिंग क्लींजिंग फोम का, और जो दूसरा है वो है
डी टैन पैक, ये आप देख सकते हैं ये डी टैन पैक है और ये आपको दूसरे नंबर पे यूज करना है। तीसरे नंबर पे आप यूज करेंगे ये वाला टॉनिक जो कि इस शेप में है। तो आपको इस तरह की छोटी छोटी इसके अंदर सारी चीजें मिल जाती हैं जो एक पैकेट में ही रहती है ताकि कोई भी चीज इधर उधर ना हो। फोर्थ नंबर पे आप यूज करेंगे ये व्हाइटनिंग मसाज क्रीम। फिफ्थ नंबर पे आप यूज करेंगे ये व्हाइटनिंग सिरम। सिक्स सेवेंथ नंबर पे आपको कंफ्यूजन होने वाला है क्योंकि ये जो तीन पैकेट्स होते हैं इसमें बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा वाला कैसे यूज करना है। तो मैं आपको बता दे रही हूँ इसमें सिक्स और सेवेंथ को एक में मिक्स करके आपको यूज करना है, जिसमें सबसे पहले ये आप अर्बिटिन पाउडर मास्क जो है इसको आप एकदम से हटा देंगे और ये वाला जो फेशियल है जिसमें है ये फेशियल पावर मास्क एंड फेशियल पावर मास्क पाउडर और ये जेल, इन दोनों को मिक्स करके लगाना है। आपका कंफ्यूजन अक्सर इसमें क्रिएट होता होगा कि ये जेल है और ये पाउडर है तो इसे कैसे यूज करना है। तो ये दोनों चीजें आपको एक में मिक्स करनी है और उसके बाद आपको एप्लीकेशन करना है। तो ये हो गया आपका सिक्स एंड सेवन नंबर का। एंड आपको अब मैं बता रही हूँ कि आपको एट नंबर पे क्या यूज करने हैं, और एट नंबर पे आपको यूज करना है ये अर्बिटिन सिरम और नाइन्थ स्टेप है यही अर्बिटिन पाउडर मास्क। तो ये वाला और इससे पहले वाले स्टेप्स को कैसे करना है वो भी थोड़ा सा टफ हो जाता है समझने में क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में है तो पाउडर फॉर्म कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में भी बता दे रही हूँ। तो ये हो गया नाइन्थ स्टेप। आपका जो लास्ट स्टेप बचता है वो बचता है व्हाइटनिंग क्रीम SPF 30। आपके फेशियल को बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, आपका फेशियल काफी दिन तक आपके फेस पे टिका रहता है और काफी दिन तक उसका ग्लो दिखाई पड़ता है। तो इसलिए ये सारे स्टेप्स जो मैंने आपको बताए हैं वो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और सही तरीके से फॉलो करें तो ओथ्री फ्लश बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है स्किन पे। फर्स्ट स्टेप में आपको यूज करना है व्हाइटनिंग क्लींजिंग फोम और ऑल ओवर फेस पे लगा लेना है। कोई भी पानी यूज नहीं करना है, बिल्कुल भी वाटर यूज ना करें। आप सिंपल अपने हैंड की मदद से इसे इस तरह से मसाज करते जाओ और आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से ये एकदम क्रीमी फॉर्म में और भी ज्यादा बढ़ता चला जाता है। और आप देखिए मैंने कितना सा लगाया था और अभी ये कितना ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। तो जब आप अपने हैंड से इसे मसाज देंगे तो ये काफी ज्यादा हो जाता है, ये देखिए आप। अभी दो मिनट हो गए हैं मसाज करते हुए और आप ये देखिए इसमें जो व्हाइटनेस थी अब धीरे धीरे से डल हो गई है। तो अब आपको इसे अच्छे से क्लीन कर लेना है किसी भी कॉटन से। तो अब हम यूज करेंगे सेकेंड स्टेप और ये है डी टैन पैक। इसे आपको अपने फेस पे लगा के रखना है कम से कम 10 मिनट और उसके बाद आपको किसी गीले स्पंज या टॉवल से अपने फेस को पोंछ लेना है। अगर आपके पास ब्रश अवेलेबल है तो आप ब्रश यूज कर लें, इवन आप अपने फिंगर की मदद से भी आप इसे यूज कर सकते हैं। तो फेस पे अच्छे से लग गया है और इसके बाद इसे मैं 10 मिनट तक फेस पे रखूंगी और उसके बाद जो है इसे मैं क्लीन कर दूंगी। तो अभी 10 मिनट हो गए हैं और इसे करना है क्लीन, तो मैं इस तरह से फेशियल स्पंज से ही इसे क्लीन कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी सूती कॉटन कपड़ा लीजिए और उसे अच्छे से साफ पानी से साफ कर लीजिए ताकि जो भी आपने लगाया है वो बिल्कुल भी स्किन में लगा नहीं रहना चाहिए, अच्छे से निकल जाना चाहिए। तो इसे एक बार दो बार जब तक आप मेक श्योर ना हो जाए कि आपके स्किन पे जो भी चीजें लगी हैं वो अच्छे से निकल गई तब तक आपको इसे अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए। तो अब ये बहुत अच्छे से निकल गई है, स्किन में कहीं भी कुछ लगा नहीं है। तो अब हम इसमें थर्ड स्टेप अप्लाई करेंगे। द थर्ड स्टेप इज टॉनिक और आपको इसे स्किन में लगाना है और अपनी उंगली की मदद से एब्जॉर्ब कराना है। वैसे तो इसमें फ्लूइड फेशियल मशीन होती है उससे आपको इसे पेनिट्रेट करना होता है, बट आप घर पे तो वो रख नहीं सकते, वो आपको प्रोफेशनल जगह ही अवेलेबल है। इस वजह से जो है आपको अपनी उंगलियों की मदद से आपको इसे अच्छे से टैप टैप करके यूज करना है जिससे कि ये उसकी वॉर्म आपके स्किन तक पहुंचाए और बहुत अच्छे से आपके स्किन में ये पेनिट्रेट हो सके।
तो इस तरह से आपको इसे टियर कर लेना है। और इसमें है टॉनिक, फ्लड मशीन का काम होता है, जो भी लिक्विड या कोई अगर गैस फॉर्म में कोई चीज है तो उसे आपके स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट कर देता है, इसलिए वो मशीन का काफी ज्यादा यूज होता है। बट आप अगर आपके पास वो नहीं है तो भी आप अपने हैंड की मदद से इसे कर सकते हैं, अपनी उंगलियों की मदद से ही एब्जॉर्ब कराना होगा। टैपिंग करते समय आप ध्यान रखें आईज अपनी क्लोज कर लें, अदरवाइज वो कभी कभी टैप करने पे ना उसकी छींटे आपके आंखों में जा सकते हैं तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए आप टैपिंग करते समय आईज क्लोज रखें तो ज्यादा बेटर होगा। एब्जॉर्ब हो गया है तो आप इसे इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा करके और अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेंगे। अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाने के बाद जो चौथा स्टेप है यानी फोर्थ स्टेप, वो है वाइटनिंग मसाज क्रीम से आपको मसाज करना है अपने स्किन में 10 से 15 मिनट तक। और इसमें भी आपको मशीन यूज करनी है अगर आप किसी थेरेपिस्ट से कराते हैं, क्योंकि O3 प्लस जो है वो है ट्रीटमेंट वाला फेशियल, और अगर आप किसी ब्यूटिशियन से कराते हैं या थेरेपिस्ट से कराते हैं तो वो इसमें यूज करता है गैल्वेनिक मशीन। लेकिन गैल्वेनिक मशीन अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे यूज कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट तक आप इसे अपने हैंड की मदद से ही मसाज करेंगे। तो ये देखिए इसमें क्रीम इस तरह से रहती है, इसके ऊपर ही आपको लगाना है इस तरह से, और काफी अच्छी क्वांटिटी होती है, बहुत अच्छे से आप इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन आप इसे स्टोर करके नहीं रख सकते, एक बार ओपन होने के बाद आपको इसे पूरा यूज करना होता है, तो आप इसे बिल्कुल भी ये ना सोचें कि अगर थोड़ा सा इसमें बच गया है तो आप इसे नेक्स्ट टाइम यूज कर ले, जितना भी है आप उसको सारा फिनिश कर लेंगे। थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये तो क्वांटिटी में ज्यादा है, लेकिन जब आप इसे मसाज देंगे 10 से 15 मिनट तक तो आप देखेंगे बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, तो तब आपको नहीं लगेगा कि ये ज्यादा क्रीम है, क्योंकि ये इस हिसाब से डिजाइन ही किया गया है कि वो वन टाइम आप इसे यूज करें और आपको बहुत अच्छा सा रिजल्ट मिले। तो बस इस तरह से आपको ऑल ओवर फेस पे एंड नेक पे जहां तक आपको करना है आप वहां पे इसे यूज करेंगे। अगर आप बैक साइड में करते हैं तो आप थोड़ा सा क्रीम इसमें बस बचा लेंगे, अगर आप अपने से ये कर रहे हैं तो बैक पे तो हो नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं अभी पूरे फेस पे ही कर रही हूँ, इसलिए मैंने सारी जितनी भी क्रीम है उसको निकाल लिया और पूरे फेस पे लगा लिया। अगर आपको बैक पे करना है तो आप थोड़ा सा क्रीम बचा ले बैक के लिए, और इस तरह से आपको 10 से 15 मिनट तक मसाज करना है। मसाजिंग में आपको कोई भी रोज वाटर पानी कुछ भी यूज नहीं करना है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अच्छा फॉर्मूला है इसके क्रीम का, तो आप बहुत आराम से इसे ऐसे ही कर सकते हैं, बहुत अच्छे से स्लाइड होता है, मसाजिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं बहुत ही सिंपल स्टेप्स आप लोगों को बता रही हूँ, कोई ऐसा प्रोफेशनल स्टेप नहीं बता रही हूँ जिसमें आपको बहुत दिक्कत हो, एकदम इजीली आप बस अच्छे से मूवमेंट करते जाएं, सर्कुलेशन मोड में ही आपका मसाजिंग टेक्निक होना चाहिए तो ग्लो अच्छा आता है। बिना पानी लगाए ही ये बहुत अच्छे से स्लाइड हो रहा है और एकदम अच्छे से इसका व्हाइटनेस जो है वो खत्म हो गया और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है। इस मसाज क्रीम को भी यूज करने में गैल्वेनिक मशीन का यूज किया जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप इसे घर पे कर रहे हैं तो आपकी जो हैंड्स का वॉर्म होता है ना उससे ये बहुत अच्छे से पेनिट्रेट हो जाता है। तो 15 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसे क्लीन करेंगे किसी स्पंज से। और अभी भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा ग्लो आ रहा है स्किन में, जबकि अभी मैंने पूरे स्टेप्स फॉलो नहीं किए हैं। और फिफ्थ नंबर पे आपको यूज करना है ये वाइटनिंग सीरम, जो कि अभी आपने क्रीम मसाज क्रीम यूज किया है उसके बाद आपको इसे लगाना है। यहाँ पे इस तरह से बना होता है, यहाँ पे आप इसे इस तरह टियर कर लेंगे तो बहुत, तो इस तरह से इस सीरम को निकाल लेना है। आपको ऑल ओवर फेस पे 2 मिनट तक मसाज करना है
और एब्जॉर्ब कराना है। देखिए बहुत अच्छे से ये एब्जॉर्ब हो गया है, जिसके बाद आपको 6 और 7 वाले स्टेप्स फॉलो करने हैं, जिसमें आपको है फेशियल पावर मास्क पाउडर और दूसरा है फेशियल पावर मास्क जेल, इन दोनों को मिक्स करना है और इसे यूज करना है। तो चलिए इसे कर लेते हैं, देखिए कैसे करना है। वैसे फिलहाल इसके लिए आपको किसी की हेल्प की जरूरत होगी, लेकिन मैं खुद से ही आपको करके दिखाऊंगी कि किस तरह से आपको इसे करना है। इसे बनाने के लिए आपको थोड़ा बड़ा बाउल चाहिए होगा, तो ये है वो पावर मास्क पाउडर, इसे इसको पूरा डाल लेना है इसमें, जितनी भी क्वांटिटी में इसमें है आप इसे पूरा इसमें डाल लें। एंड उसके बाद जो सेकेंड है वो फेशियल पावर मास्क जेल है ये वाला, तो इसे भी पूरा इसमें आपको अच्छे से डाल देना है, मिक्स कर लेंगे। और आप ध्यान रखें इसे बहुत फास्टली आपको अपने फेस में लगाना होता है, अदरवाइज ये बिल्कुल जमने सा लग जाएगा। तो इसे बहुत जल्दी से आपको मिक्स करना है एंड अप्लाई करना है अपने फेस पे। आपको कोई भी एरिया अवॉइड नहीं करना है, इवन आपके आई वाला एरिया भी आपको कवर कर लेना है इसी पैक से। किसी की हेल्प ले ले तो ज्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले मैं आई वाला पार्ट छोड़ के लगाऊंगी, लास्ट में मैं उसमें लगा लूंगी, क्योंकि मैंने खुद से ही ये काम करना है। बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं आपको लगाना है, अगर आप टाइम लगाएंगे तो फिर वो अच्छे से निकल नहीं पाएगा, अच्छे से लग भी नहीं पाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल जम जाएगा। थोड़ा सा आपको थिक ही रखना है। से आपको पतले फॉर्म में नहीं लगाने हैं और आपको कोई भी एरिया अवॉइड नहीं करना है, इवन आपको आईब्रोज वगैरह कुछ भी नहीं छोड़ना है। आप पूरा इसमें इस तरह से एप्लीकेशन करेंगे और थोड़ा सा ये आइसी फॉर्मूला लगता है, एकदम बिल्कुल ठंडा ठंडा सा हो जाता है स्किन, तो आपको आंसू भी आ सकते हैं, हल्का हल्का सा आंखों में ठंडा ठंडा सा लगता है इस वजह से। पंद्रह से 20 मिनट तक आपको इसको अपने फेस पर रखना है, और जब आपको लगे कि ये थोड़ा सूख गया है, थोड़ा रबर टाइप का हो गया है, तब आपको इसको बहुत आराम से धीरे धीरे से करके इस तरह से निकाल लेना है। तो काफ़ी अच्छा फेशियल है ये, और अगर आप लोग कोई अच्छा फेशियल सर्च कर रहे हैं तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। आप अगर इसे परचेस करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाके भी परचेस कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि 8वां स्टेप है, और 8th स्टेप में आपको यूज करना है अर्बिटिन सीरम, जो कि ये है, और इसे भी आपको ऑल ओवर फेस पे लगाना है। वैसे तो इसमें भी अल्ट्रासोनिक गैजेट यूज होगा, लेकिन आपके पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि आप इसे घर पे कर रहे हैं, तो इसे भी आप अपनी हैंड के वॉर्म से ही पेनिट्रेट कराएंगे स्किन में। ये इस तरह से सीरम है, और इसे आपको ऑल ओवर फेस पे लगाना है और अच्छे से एब्जॉर्ब करा देना है। एब्जॉर्ब हो गया है, एंड उसके बाद अब हम यूज करेंगे स्टेप नंबर 9। स्टेप नंबर 9 में आपको यूज करना है ये अर्बिटिन पाउडर मास्क, और इसे आपको पानी में अच्छे से पेस्ट बनाना है, और ध्यान रहे बहुत ज्यादा गीला पेस्ट आपको नहीं करना है। तो इससे आप इस तरह के एक बाउल में ही बनाएंगे, जिससे आपको लगाने में इजी हो जाए। तो इस तरह पूरा जितना भी पाउडर है आपको निकाल लेना है, पाउडर है, और इसमें आपको जितना ये पाउडर है इसका जस्ट हाफ आपको पानी इसमें डालना होगा। जस्ट हाफ आप मान के चलिए कि 20 से 30 ml वाटर आपको इसमें मिक्स करना है, लेकिन मिक्स करने से पहले आप ये ध्यान जरूर रखें कि इसे बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है, क्योंकि इसे भी आपको पिल ऑफ मास्क की तरह निकालना है। आप अपने अंदाज से डालेंगे, 20 से 30 ml मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हो सकता है कि आपकी कंसिस्टेंसी आप समझ ना पाए, तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा सा डालें और इसे ब्रश से अच्छे से मिक्स कर लें। फिर आप देखें, अगर बहुत ज्यादा गाढ़ा पेस्ट है तो फिर आप थोड़ा सा और उसमें मिक्स कर सकते हैं। तो ये देखिए,
इस तरह से। अभी ये काफी गाढ़ा है तो थोड़ा सा मैं इसमें और डाल दे रही हूँ। बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी है, इस तरह से ही आपको इतना ही गाढ़ा रखना है जिससे पिल ऑफ मास्क करने में आसान हो जाए, अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बनाएं। तो इसे भी आपको अच्छे से ऑल ओवर फेस पे लगा लेना है, कोई भी एरिया अवॉइड नहीं करना है। आईज पे भी लगाना है लेकिन अभी मैं लगा रही हूँ और पूरे फेस पे, इसलिए जो है मैं पहले आईज पे नहीं लगाऊंगी। अगर आपके पास कोई है आपको हेल्प करने के लिए तो आप आईज पे भी पहले लगवा सकते हैं, और थोड़ा थिक पेस्ट ही लगाएंगे, थोड़ा मोटा ही पार्ट लगाएंगे। तो ये जो अर्बिटिन मास्क है ये मैंने निकाल दिया है, और इसे भी आपको अपने फेस पे 10 मिनट से 15 मिनट तक रखना है। जब आपको लगने लगे कि ये अच्छे से उखड़ने लायक हो गया है तभी आपको निकालना है, क्योंकि इसमें ये मेंशन नहीं है कि आपको इसे कितने देर तक रखना है, इसलिए आप ये जरूर जान लें कि कितने देर तक आप इसे रखेंगे। अब हम अप्लाई करेंगे स्टेप नंबर 10 को, और जो कि है वाइटनिंग SPF 30। और ये जो वाइटनिंग क्रीम है तो ये आपके फेशियल को काफी टाइम तक बरकरार रखता है, काफी दिनों तक आपका जो फेशियल है वो ऐसे ही बना रहता है, काफी दिनों तक ग्लो बना रहता है। तो ये वाला आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि बहुत लोग ये सोचेंगे कि ये SPF है, सनस्क्रीन है, तो शायद ये हम स्किप कर दें क्योंकि हम कहीं बाहर धूप में तो जा नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको इसे जरूर से अप्लाई करना है। तो इस तरह से इसमें ये है, और इसे आपको ऑल ओवर फेस पे लगाना है और अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब करा देना है। जहां जहां भी आपने फेशियल ट्रीटमेंट लिया है ये वाला, वो सारे एरियाज आपको इससे कवर करने हैं, जिससे आपका ग्लो काफी दिन तक बना रहेगा। बहुत ही जेंटली हाथों से हल्के हल्के से करके इसे मसाज देना है। तो भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये एब्जॉर्ब हो गया है, क्योंकि इसको करने में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि इसका जो क्रीम है वो बहुत ज्यादा थिक है। तो एक बार से ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो जाएगा स्किन में, जैसे कि टॉनिक वगैरह एब्जॉर्ब हो जा रहा था। इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लेके धीरे धीरे से मसाज करना है ताकि ये अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए और आपका जो फेशियल है वो ज्यादा टाइम तक लॉन्ग लास्टिंग रहे, ज्यादा देर तक टिका रहे और आपके फेशियल को ये प्रोटेक्ट भी करे। स्टेप 10 जो है वो डन हो गया है। वेडिंग सीरीज में फेशियल्स की और भी ज्यादा वेराइटीज और उसके अलग अलग वेरियंट्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो अगर आप लोग वो वीडियोस पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन जरूर दबा दे, जिससे मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज है और वेडिंग सीरीज की जितनी भी वीडियोज है वो आप तक मिलती रहे, आप तक पहुंचती रहे और आपके लिए हेल्पफुल होता रहे। फेशियल से रिलेटेड अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए या आप कुछ और जानना चाहते हैं या इस वीडियो में आपको कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा फेशियल कंप्लीट हो चुका है और आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा ग्लो आया है। वैसे तो ग्लो 3 डेज आफ्टर और भी ज्यादा आ जाता है, लेकिन अभी आप इंस्टेंटली ग्लो देख सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा ग्लो आ गया है। तो आप इस फेशियल को जरूर से ट्राई कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना और हाँ बेल बटन जरूर दबा देना ताकि मेरी जितनी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है उसकी अपडेट्स आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव आइडियाज एंड सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।